पे ये जो भी हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, चाहे वो एम्स हो चाहे कोई और प्रोजेक्ट हो, वो तो सबसे पहले तो ये उनको बंद करने का काम किया गया। दूसरी बात, रायबरेली की जनता को नकारा गया। तीसरी बात, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों की समस्या है, वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। आप मुझसे मत पूछिए, आप कहीं भी जाके किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, किसी भी नौजवान को पकड़ के पूछ लीजिए कि भाई तुम्हें रोजगार मिला, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हुई है कि नहीं 5 सालों में। लेकिन प्रियंका जी, मैं दावे सुनिए, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पिछले 5 सालों में एक भी यहाँ पे ऐसा जवाब आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि पिछले 5 सालों में मेरी ज़िंदगी बेहतर हुई। प्रियंका जी, बीजेपी का हमेशा दावा होता है कि कांग्रेस अपने गढ़ को भूल जाती है। अमेठी में ये हुआ, रायबरेली में ये हुआ, अदिति सिंह आपकी कद्दावर नेता थी वो चली गई, बार बार बीजेपी आपके इस पॉइंट को क्यों हिट आउट करती है कि कांग्रेस अपने गढ़ को भूल जाती है और जनता को भूल जाती है। और अमेठी में भी वही हुआ, रायबरेली में भी। जरा भाजपा वाले बताएं कि जो अमेठी में जितनी भी फैक्ट्रीज थी, जितनी भी संस्थान थी, जितनी भी सड़कें बनी, जितना भी विकास हुआ, वो किसने किया? भाजपा ने किया। और अगर हम भूल जाते तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तो मेरी माँ यहाँ की सांसद क्यों है? तो मेरी दादी यहाँ की सांसद क्यों थी? मेरे पिता अमेठी के सांसद क्यों थे? मेरे भाई अमेठी के सांसद क्यों थे? अगर हम भूल जाते हैं तो, और अगर हम भूल जाते हैं तो अमेठी की जनता और रायबरेली की जनता जब देश भर में फंसी हुई थी कोरोना के समय, तो उन्होंने हमको क्यों फ़ोन किया? हमको क्यों फ़ोन किया और हमने उनकी क्यों मदद की? उन्होंने मोदी जी को क्यों नहीं फ़ोन किया? योगी जी को क्यों नहीं फ़ोन किया? स्मृति ईरानी जी को क्यों नहीं फ़ोन किया? फ़ोन तो सब हमारे पास आए ना, मदद तो सबकी हमने की, तो हम भूल कहाँ से रहे? सीएम योगी कह रहे हैं कि आप आपने सवाल पूछा ना, मुझे जवाब देने दीजिए। अगर आप अपना बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ खड़े हो जाइए, आइए। मैंने आप बोलिए, मैं आपके लिए आया, बोलिए। ठीक है, तो मैं कह रही थी कि अगर ना यहाँ की जनता हमें भूलती है और ना इनको हम कभी भूलते हैं, तो ये इल्ज़ाम आप मेरे सामने मेरे मुँह पे तो मत। सीएम आदित्यनाथ जनसभा में पहुंचते तो ये क्यों कह रहे हैं कि राहुल? अब सीएम आदित्यनाथ तमाम फिजूल की बातें बोलते हैं। सीएम आदित्यनाथ कहते हैं कि ये पूरा चुनाव 80% और 20% आबादी के बीच है, कहते हैं ना। सही बात है, ये चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और महिलाओं की समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। तो जिस क्योंकि आदित्यनाथ जी कहते हैं उसको सही हो, वो सही हो गया क्योंकि उन्होंने कहा है। वाह, नहीं, बीजेपी आरोप लगा रही कि आतंकवादियों को कहीं ना कहीं।